इसे देखें आप लोग, यह डिस्कवर 125 सीसी वाइट की मैग्नेट कॉइल प्लेट है। वैसे देखने में तो ये बहुत ही अजीब टाइप की लग रही है, क्योंकि हमारे जो मैकेनिक भाई हैं उन्होंने इस कॉइल का पूरा पूरा प्रयास किया बनाने का। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कोशिश तो की इसे बनाने की, लेकिन अधूरी अधूरी कोशिश का मतलब मेरा कि उस कॉइल प्लेट को उन्होंने खाली किया। खाली करने का मतलब है ये जो खांचे में तार भरा रहता है, ये देखें आप लोग, इसको खोला जाता तो ये इसको कहा जाता खाली किया, यानी कि फ्रेश की इस कॉइल को। कभी भी किसी भी कॉइल को यदि आम मैकेनिक, आम पर्सन नए तरह से कोई भी खाली करे तो थोड़ा दिमाग लगाए कि किसी भी खांचे को जब हम खाली करते हैं तो उसमें जो टर्नों की संख्या होती है, जो राउंडों की संख्या होती है, उसको हम काउंट करते हैं, क्या करते हैं, गिनते हैं। आप इतने एक्सपर्ट तो नहीं है, पर खांचे का वोल्टेज कैलकुलेट कर लें मैथमेटिक्स के आधार पर और आप उसको वाइंड कर दें यानी भर दें। तो नए सिरे से आपको स्टार्ट करने के लिए आपको उस खांचे के टर्नों की संख्या को काउंट करना पड़ेगा। अगर आपने टर्नों की संख्या काउंट नहीं की तो ये जो कॉइल प्लेट आप दोबारा भरेंगे, रिवाइंड करेंगे, वो मिस्टेक हो जाएगी उसमें और आपकी वर्क नहीं करेगी, आपका भी टाइम बर्बाद हो जाएगा और बाइक का जो मालिक है जिसे वो लगवाएगा उसका भी टाइम बर्बाद होगा, लेबर भी जाएगी, मिस्त्री की, सब कुछ जाएगा, लेकिन ये वर्क नहीं करेगी। अदर किसी सेक्शन में दूसरा नुकसान भी हो सकता है। तो हमारे जो मैकेनिक भाई हैं उसने कोशिश की तो जनाब देख इतना खाली उन्होंने कर दिया, ठीक है, ना कोई इसमें काउंट किया कितने टर्न इसमें डले हुए, कितने टर्नों से ये भरी हुई है, लेकिन लगे बने रहे और इस कॉइल को खाली कर दिया। खाली हम भी करते हैं लेकिन एक सिस्टम के थ्रू करते हैं, जैसे कि ये कॉइल है तो हम लोग खाली करेंगे तो जो इसमें टर्नों की संख्या है, ये देखें, जो हम इसको खाली करने जा रहे हैं इसमें जो टर्नों की संख्या है इसको काउंट किया जाता है। हम भी 40 साल पुराने कॉइल का वर्क करते हैं लेकिन फिर भी कोई नई कॉइल यदि मेरे सामने आती है तो हम उस कॉइल के जो टर्नों की संख्या उसको काउंट करते ही हैं। हाँ, मानते हैं यदि ओल्ड कोई कॉइल हो जिसे हमने कई बार भर दिया हो, रिवाइंड कर दिया हो, उसमें हमें आवश्यकता नहीं होती है, हम उनके टर्नों की संख्या को याद कर लेते हैं। और वैसे मैं अपने मैथमेटिक्स के आधार पर इन में कभी टर्नों की संख्या काउंट ही नहीं करता हूँ। मुझे ये मानना होता है कि इस खांचे में हमें 3.5 वोल्ट चाहिए, या इस खांचे में हमें 6 वोल्ट चाहिए, या 12 वोल्ट चाहिए, या 24, तो हम इस हिसाब से उसका रेटिंग रेशियो मिला देते हैं और उसी हिसाब से मैग्नेट के वोल्टेज यहाँ मिलने लगते हैं और यहाँ लीड के द्वारा बाहर आ जाते हैं। तो अब हम इसके टर्नों की जो संख्या उसको कैसे काउंट करें ये हम आपको बताने वाले हैं। यदि कोई भी नया मैकेनिक भाई हो मेरा, उसको यदि कॉइल को घर पे भरना है दोबारा, तो आप टर्नों की संख्या उसको ऐसे गिनाओगे जैसे हमने इस कॉइल को रिवाइंड किया, ठीक है, और इस कॉइल को रिवाइंड किया हमने, अब यहाँ पर जो खांचा आपका अंदर दिख रहा, इस खांचे को जब आप ऐसे खोलोगे तो एक यहाँ आ जाएगा, दो, तीन, चार, बोलते समय यानी बैक तार को बैक करते समय तो जितना लास्ट में आपका 15 आता, 20 आता, 25 आता, 50 आता, उसी हिसाब से उसके टर्नों की एक खांचे की संख्या होगी। अब ये देखें आप लोग कितना जला हुआ इसमें तार, बिल्कुल बेकार का निकला हुआ वायर है, ये देखें पूरा इसमें हाथ भी मेरे पूरे काले कर दिए क्योंकि ये पूरा जल चुका है। डिस्कवर 125 बाइक की कॉइल प्लेट है, इसमें जो कॉपर वायर यूज किया गया है इस कॉपर वायर का जो गेज नंबर है वो 20 है, पर टर्नों की संख्या पर स्लॉट की इसमें 62 है, एक खांचे में 62 के हिसाब से इसमें 12 खांचे आपको भरना है। तो इसमें जो वायर बाहर निकलते हैं लीड कॉइल के द्वारा, ये देखें इसकी लीड कॉइल है, इसमें जो वायर बाहर निकलते हैं उस वायर में ये दो तार बाहर निकलते हैं, ये आपकी पिकअप कॉइल है
ठीक है, और ये दो वायर बाहर निकलती, इसमें बॉडी से कोई अटैच नहीं होती है, ये बिल्कुल टेप बाहर, दोनों तार बाहर जाते, बॉडी से कोई रिलेटिव कहीं भी ना, बॉडी से कोई, जैसे आप लोग कोई पिन लगी हुई है बॉडी से रिलेटिव जिस पर ये कनेक्शन किया जाए, ये देखें बिल्कुल फ्रेश है, कहीं भी कोई आयल पिन इसमें आइलेट नहीं लगा हुआ जो और दूसरी कॉलम में लगाया जाता है, जिस पर हम कनेक्शन कॉइल के डालते, सीधा दोनों वायर यहाँ बाहर इसके निकले हुए हैं, और यहाँ पर आपका ये जो लीड है इसमें से काफ़ी अच्छे एम्पियर का वायर इसमें करंट निकलता है, क्योंकि अच्छे एम्पियर का करंट इसलिए निकलता है कि इसमें 12 खांचे हैं, और जो वायर का गेज है वो आपका 20 नंबर तार के अगर 62 टर्न हम पूरे 12 खांचों में डालेंगे तो स्वाभाविक है जो एम्पियर यहाँ निकलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि तभी तो ये हाई पावर बाइक में यूज की जाती है। 125 cc 150 cc बाइक में जो कॉइल यूज की जाती है उनमें वायर का गेज जो होता है वो मोटा ही होता है। तो समझे आप लोग, इस कॉइल को भरने के लिए आपको सर्वप्रथम उसका डाटा, उसके कॉइल के टर्नों की संख्या, कॉइल का जो कनेक्शन है बॉडी से अर्थ है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों को आपको देखना है, तब जाके कहीं आप कॉइल को बैक करें और भरें। तो देखिए आप लोग, इसको हमने पूरा खाली किया है, अब इसमें आपके दो खांचे, अभी तीन खांचे इसमें शेष हैं, इनको भी हम अभी खाली करने जा रहे हैं, तो बने रहिए आप लोग वीडियो पर। तो देखें आप लोग, ये पूर्ण रूप से आपकी ये कॉइल प्लेट खाली हो चुकी है, इसमें अब किसी भी प्रकार का कोई तार बाकी नहीं है। इसमें ये जो वायर निकला हुआ है इसको हमने अभी थोड़ा वेट किया था, यानी कि वजन किया था इस तार का, तो इस तार का जो वजन निकला हुआ 170 ग्राम। तो यदि आप चाहें तो आपको अभी राउंड नहीं गिनना है, समझे हमारी बात को, तो आप जो आपका पुराना तार निकले उसका आप वेट कर लें, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझें इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंस पॉइंट है आप लोगों के लिए, मेरे उन मैकेनिक भाइयों के लिए जो इच्छा रखते हैं कि कॉइल प्लेट को हम दोबारा घर पे कैसे भरें, ठीक है। तो ध्यान दें थोड़ा इस पॉइंट पर कि आपको यदि टर्न नहीं गिनना है, इसके राउंड नहीं गिनना है, खांचों के जो खांचे दिख रहे हैं आपकी, ये 12 जो खांचे इस कॉइल में हैं, स्लॉट हैं, ये खांचे हैं, इनके टर्न या राउंड नहीं गिनना है, तो बहुत ही बढ़िया हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। पहले तो इसको पूरा खाली कर लें आप, ठीक है, इस कॉइल प्लेट को पूरा खाली कर लें। जब इसको आप पूरा खाली कर लेंगे, फिर जो आपके हाथ में इसका तार आएगा उसका आप वजन कर लें। वजन करने का मतलब वेट कर लें, इसको तौल लें, ठीक है। तो तौलने पर यदि इस तार का वेट, यदि के मतलब एक उदाहरण तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, यदि इस तार का वेट, यानी कि जो आपके पास किसी भी कंपनी की कॉइल प्लेट उसका वेट यदि माना कि 200 ग्राम निकलता है, 200 ग्राम निकलता है, तो उस 200 ग्राम में, ये मतलब नहीं कि 200 ग्राम आप सब में निकले, नहीं, जितना भी वेट उसका निकलता है, 200, 150 जो भी निकलता है, तो उस 150 या 200 वेट में आपको कितने खांचों का आपको भाग देना है, जितने खांचे आपके कॉइल प्लेट में हैं। जैसे कि इस कॉइल प्लेट में ये आपका जो वायर निकला हुआ है, ये वायर आपका 170 ग्राम निकला हुआ, और इसमें खांचों की संख्या कितनी है आप देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो 12 खांचों की संख्या है, और तार का वजन इसमें 170 ग्राम है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि प्रत्येक खांचे में कितना तार, कितने वजन, कितने ग्राम तार पड़ेगा। तो इसमें 12 खांचे हैं और वेट यानी वजन तार का आपके पास 170 ग्राम है, तो 170 ग्राम में आप 12 को डिवाइड करें यानी 12 का भाग दें, तो आपके पास में 14 पॉइंट कुछ, यानी कि 14 ग्राम के लगभग वजन आएगा। तो 14 ग्राम वजन आपका एक खांचे में गिरेगा, समझ रहे हमारी बात, यानी एक खांचे में 14 ग्राम ऐसे करके 14 ग्राम कुछ पॉइंट, यानी कि 14.5 मान सकते हैं आप, तो ये 14 ग्राम वजन आपका एक खांचे में गिरेगा।
तो ये बिल्कुल इजी फार्मूला है, इसमें आपको राउंड नहीं गिनना है, सीधा आपको क्या करना है, उसको आप बैलेंस यानी तराजू पर रखें, पूरा ताल लेके आए और आप डालते जाएं, जहाँ 14 ग्राम आपका हो जाए नेक्स्ट बोबिन में डालें आप, पहले इसमें ऐसे क्लॉक वाइज फिर एंटी क्लॉक, 14 ग्राम के हिसाब से आपको ये बढ़ना है। तो समझ में आया आपको नया फार्मूला, बिल्कुल यूनिक फार्मूला मैग्नेट वाइट कॉइल प्लेट रिमाइंडिंग का। तो मैं तिवारी प्रोजेक्ट हो रही, आप सभी लोगों को अपना चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ में आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब बेल आइकॉन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट कंटेंट पर डे लाता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों ने यही वो क्वाइल है जिसे हमने पूर्ण रूप से खाली कर दिया था, डिस्कवर 125 सीसी बाइक की क्वाइल प्लेट, इसको हमने दोबारा रिवाइंड किया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक खांचे में या तो आप 14 ग्राम वायर डाल दें, 14 ग्राम, अगर 14 ग्राम का आपका रेटिंग सही नहीं लगता, आपको प्रॉब्लम हो रही है 14 ग्राम भरने में, बार बार आप तोलेंगे वजन करेंगे, तो आप 82 क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज से इसको आप दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, ये वही क्वाइल है जो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, काली पड़ चुकी थी, पूरा इसमें क्लॉक खाली हो चुके थे इसके। तो ये देखिए आप लोग, बिल्कुल प्रॉपर नई की तरह ये वर्क करेगी। डन।